बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे इज आवर लेक्चर 5। लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द ऑक्टल नंबर सिस्टम। हाउएवर हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम इज यूजली मोस्टली यूज्ड। But however, we have to know what is the octal number system. In general practices, hexadecimal numbers are used to represent long strings of binaries, which could have human error. After octal number system, we have seen the alternate representations of access code, BCD code and gray codes. We discussed that gray code is not a positional number system. It's not in gray codes they don't have any weight. In BCD codes, we use them for displaying, and access codes are used in biased codes where we have to represent negative values in terms of positive number. After them, we have seen the alphanumeric codes, ASCII and Unicodes, and in the end, we have discussed the error detection using parity bit. Today, we will start chapter 2. Logic gates are basic building blocks of any digital circuit. We have different logic gates. In this lecture, we will see their symbols, their unique function, the truth table or function table of a logic gate, function expression of a logic gate, and the timing diagram of the logic gate. We will start with AND gate. Then we will discuss OR gate, NOT gate, NOR gate and NAND gate. We will see the truth table, the expressions, the timing diagram and other related things. So, आज का lecture start करने से पहले थोड़ा सा recap करते हैं। पिछले lecture में हम लोगों ने chapter 1 end किया था। चैप्टर 1 के एंड पे हम लोगों ने ऑक्टल नंबर सिस्टम देखे थे कि बेस 3 बेस 8 नंबर सिस्टम है, हम 3 बिट्स यूज करते हैं, हम ऑक्टल से डायरेक्ट कन्वर्जन भी कर सकते हैं डेसिमल से, और अल्टरनेट मेथड्स भी हैं कि आप पहले ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करें, बाइनरी से फिर डेसिमल में करें। ऑक्टल नंबर सिस्टम अब इतना ज्यादा यूज नहीं होता, ज्यादातर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता है। हमने देखा था कि जब बहुत लंबी बाइनरी स्ट्रिंग्स होती हैं जिनमें आपके पास एरर का चांस होता है, तो उन चीज एरर्स को अवॉइड करने के लिए, उन बड़ी स्ट्रिंग्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स को यूज करते हैं। अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन हमने देखी थी, एक्सेस कोड देखे थे, बीसीडी कोड देखे थे और ग्रे कोड देखा था। एक्सेस कोड बायस कोड में यूज होता है, बीसीडी कोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे डिस्प्ले करने के लिए बीसीडी कोड होता है, 0 to 9 कोड आता है आपके पास 4 बिट का। और ग्रे कोड जो है वो कोई पोजिशनल नंबर सिस्टम नहीं है, ठीक है जी। पोजिशनल नंबर सिस्टम का मतलब ये होगा कि इसमें कोई वेट नहीं डिफाइन होता कि आप वेट डिफाइन करो किसी का, किसी उसकी पोजीशन के हिसाब से और फिर कन्वर्ट करो। ग्रे कोड्स कोई पोजिशनल नंबर सिस्टम्स नहीं है। उसके बाद ASCII कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे, अल्फानुमेरिक। अल्फानुमेरिक का मतलब ये अल्फाबेट एंड नुमेरिक कोड्स, ठीक है। अल्फान्यूमेरिक कोड्स में दोनों नंबर और कैरेक्टर्स दोनों आते हैं। इसमें हमने ASCII कोड देखे थे कि 7 बिट के होते हैं, फिर ASCII 2 देखा था जो 8 बिट का कोड है, और फिर हमने यूनिकोड को देखा था जो 16 बिट के कोड है। लास्ट में हमने फिर एरर डिटेक्शन मेथड एक डिस्कस किया था पैरिटी बिट को यूज करते हुए, और हमने देखा था कि पैरिटी बिट की लिमिटेशन ये है कि आप जस्ट 1 बिट का एरर डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
और आप उस एरर की पोजीशन नहीं बता सकते हो, इस तरह की आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं पैरिटी बिट में। इससे एडवांस एल्गोरिथम में ये सारे मसले सॉल्व हुए हुए हैं, वो आप आगे जाके डिस्कस करोगे कि एडवांस एल्गोरिथम में कैसे एरर डिटेक्शन होती है और क्या कुछ हो सकता है। तो आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है लॉजिक गेट्स का। किसी भी डिजिटल सर्किट के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो ये लॉजिक गेट्स हैं। आपने एनालॉग सर्किट्स का बेसिक कंपोनेंट्स देखे हैं, रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, इंडक्टर्स हैं। वो एनालॉग सर्किट्स में आप देखते हो कि आप रेजिस्टर्स के कैसे एक सर्किट बनाते हो। तो जो डिजिटल सर्किट है उसमें हम लॉजिक गेट्स को यूज करते हैं सर्किट को बनाने के लिए। अब हमारे पास डिफरेंट लॉजिक गेट्स हैं, हर लॉजिक गेट का एक यूनिक सिंबल है, ठीक है, हर लॉजिक गेट का एक यूनिक फंक्शन है, उनका ट्रुथ टेबल और फंक्शन एक्सप्रेशंस है। ट्रुथ टेबल या फंक्शन टेबल एक ही को कहते हैं, एक ही चीज होती है। फंक्शन एक्सप्रेशन के उनकी एक्सप्रेशन क्या है, उनकी टाइमिंग डायग्राम क्या है, हम इन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंड गेट से। अब एंड गेट पॉइंटर, अच्छा एंड गेट को हम मुख्तलिफ चीजों से, मुख्तलिफ सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक एंड गेट का सिंबल ये है, ठीक है, एंड गेट का सिंबल ये भी है, ठीक है, और को अगर हम नॉट कर दें, ये जो बबल्स होते हैं छोटे छोटे, ये नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक है और गेट, एक और नेक्स्ट हम और गेट को डिस्कस करेंगे। अभी इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये तीन सिंबल्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी, ये भी। हम ज्यादातर ये वाला सिंबल यूज करेंगे इस कोर्स में। ये जो सिंबल है ये लेटर ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर वगैरह में ये सिंबल भी यूज होता है, ठीक है। अब एंड गेट सिंगल आउटपुट होता है, ठीक है, एंड गेट की आउटपुट एक ही होगी, जिस तरह ये आउटपुट है, ठीक है। इनपुट्स मल्टीपल हो सकती है, टू इनपुट, थ्री इनपुट, फोर इनपुट, अप टू मल्टीपल इनपुट के भी एंड गेट आपको मिल जाते हैं। 7408 एंड गेट का आईसी है, ठीक है, आईसी इसका आ जाता है 7408। इस आईसी में आपके पास 14 पिन आईसी है, ठीक है, तो चार आपके पास क्वाड, चार आपके पास टू इनपुट एंड गेट्स होते हैं। अगर हम एंड गेट के ट्रुथ टेबल की बात करें तो एंड गेट में जब ये इनपुट्स हैं, ठीक है, ए बी और आउटपुट एफ है, एंड गेट मल्टीप्लीकेशन के फंक्शन की तरह आपके पास परफॉर्म करता है। 0.00 एंड 0.00 होगा, 0 एंड 1, 0 होगा, 1 एंड 0, 0 होगा, और सिर्फ 1 एंड 1 आपके पास 1 देगा। सिर्फ इस कंडीशन पे आपके पास 1 आएगा, बाकी किसी भी कंडीशन पे आपके पास, बाकी किसी भी कंडीशन पे आपके पास 0 आएगा, बाकी सारी कंडीशन पे आपके पास 0 आ रहा है। सिर्फ जब दोनों इनपुट्स 1 1 होंगी तो ही आपके पास आउटपुट आएगी। मैंने आपको बताया था कि एंड गेट जो है, अगर आप नोट करो, मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन यूज करता है और इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी, ठीक है। ये एंड गेट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपके पास आ रहा होता है। इसके बाद हम आते हैं टाइमिंग डायग्राम पे। टाइमिंग डायग्राम में हमारे पास ये दो सिग्नल्स हैं ए बी में, ठीक है, ये 0 है, 1 है, ये 0 है, 1 है, 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, और ये 1 है, बल्कि इस इसको छोड़ दें, ये 0 है, ये टाइमिंग स्लॉट नहीं है। हमारे पास ये 6 टाइमिंग स्लॉट्स हैं। अब बी को देखें तो ये 0 है, ये 1 है, 1 है, ये 0 है, 1 है, 1 है, ये 0 है, 1 है, ठीक है। अब एंड गेट का हमने पढ़ा हुआ है कि एंड गेट सिर्फ आपको जब 1 1 होगा तब 1 देगा, बाकी सारे सिग्नल्स पे 0 देगा। अब ये आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट है और वो इनपुट थी। तो 1 1 1 एंड विथ 1 1 होगा, हमने
ये वन के लिए ये बना दिया, वन के लिए ये ऊपर लाइन है, ये जीरो है और ये लेवल वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ये लेवल जीरो है, ये लेवल वन है, ये लेवल जीरो है, ये लेवल वन है। अब वन वन आपको आपको वन दे रहा है, ठीक है। जीरो वन का एंड आप करोगे तो जीरो आएगा, इसी तरह वन जीरो को एंड करोगे तो आपके पास जीरो आएगा। अगेन वन वन है तो हमारे पास वन आ गया, जीरो वन है हमारे पास जीरो आ गया। अगर मैं लिखता जाऊं तो बेहतर होगा। वन जीरो का एंड लेंगे अगेन जीरो आ जाएगा, जीरो वन का एंड लेंगे अगेन जीरो आ जाएगा, ठीक है। अप टू सो ऑन ऐसे ही जाएगा। अब मैं इसको अगर ज्वाइन कर लूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। अगर मैं इनपुट के ऊपर दो, क्योंकि ड्यूअल इनपुट या मल्टीपल इनपुट सिग्नल हो सकता है, मल्टीपल इनपुट गेट हो सकता है एंड गेट, मगर आउटपुट इसकी एक ही है, तो मैं अगर टू इनपुट एंड गेट लेता हूं और टू इनपुट एंड गेट के ऊपर मैं ये वाला सिग्नल पास करता हूं छह टाइम स्लॉट्स में, ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट के ऊपर हर स्लॉट का जो एंड गेट का रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो ये मेरे पास एंड गेट की टाइमिंग डायग्राम आ रही है। इसी तरह एक और गेट है, सेकंड गेट है और गेट। और गेट की आउटपुट एक होती है, ठीक है। इनपुट मल्टीपल हो सकती है, टू इनपुट भी हो सकता है, थ्री इनपुट भी हो सकता है, फोर इनपुट भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर जो इसका सिंबल यूज होगा हम वो ये सिंबल यूज कर लेंगे, इसके अल्टरनेट सिंबल्स ये और ये हैं। अब ये एंड गेट का नॉट है, ठीक है, यानी ये भी बबल, ये भी बबल और ये भी बबल, कि इनपुट भी इन्वर्ट हो जाएंगी और आउटपुट भी इन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी एक सिंबल हम यूज कर सकते हैं, मगर ज्यादातर जो यूज होता है वो ये वाला सिंबल यूज होता है और गेट के लिए। इसके अगर हम ट्रुथ टेबल या फंक्शन टेबल की बात करें तो ये एडिशन का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे जीरो और जीरो जीरो देगा, जीरो और वन वन देगा, वन और जीरो वन देगा, और वन और वन वन देगा। जस्ट जब दोनों इनपुट जीरो होंगी से तब जीरो होगा, बाकी सारे केसेस में ये वन होगा, ठीक है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसको प्लस के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी जो इक्वेशन होती है वो ये आपके पास, आप इस तरह से लिख सकते हो। ये इसकी इक्वेशन है, ये इसका फंक्शन टेबल है। फॉर मल्टीपल इनपुट्स आपकी इक्वेशन ये बनती है। इसके बाद टाइमिंग फंक्शन देखते हैं, ठीक है। वही टू इनपुट सिग्नल, टू इनपुट और गेट को अगर देखें तो मैं दो इनपुट के ऊपर ये सिग्नल अप्लाई कर रहा हूं और ये मेरे पास आउटपुट है। इसको अगर हम अपनी आसानी के लिए हर टाइम स्लॉट को ना मार्क कर लेते हैं, ये वन वन है, ये जीरो वन है, अगेन वन वन है, ये वन, सॉरी ये जीरो है ना, वन जीरो, ये वन वन है, ये जीरो वन है, ये वन जीरो है, और ये जीरो और वन है, और अप टू सो ऑन। तो अब सिर्फ जीरो जीरो के केस में जीरो होगा, बाकी सारे केसेस में वन होगा। तो कहीं पे भी मेरे पास जीरो जीरो वाला केस नहीं है, सारे वन जीरो वन 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 वन, तो मेरे पास ये सारा वन आ रहा है, ठीक है। जीरो का लेवल मेरे पास कुछ आ ही नहीं रहा, सारा मेरे पास वन लेवल के लिए आउटपुट आ रही है। आउटपुट में सारी मेरे पास वन आ रही है, आउटपुट मेरे पास ऑन ही रहेगी, ठीक है। और गेट की जो आईसी है वो 7432 आई थिंक आईसी है, बाकी आप ये लैब में देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह और गेट के बाद एक और गेट है नॉट गेट। नॉट गेट बड़े मजे का गेट है जी, एक इनपुट है और एक ही आउटपुट है, ठीक है। इसमें मल्टीपल इनपुट्स नहीं है, एक इनपुट एक आउटपुट है, ये इसका सिंबल है, ठीक है। इन्वर्टर इसको हम कहते हैं, इस तरह हम, ये बफर का सिग्नल होता है, और अगर इसके आगे मैं ये बबल लगा दूं तो ये नॉट गेट बन जाता है। ये रिप्रेजेंट, ये सिंबल भी यूज होता है और ये सिंबल भी यूज होता है, ये दोनों सिंबल जो है वो नॉट गेट के हैं। अच्छा, अब नॉट गेट यूनी गेट है, ठीक है, एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है। नॉट गेट क्या करेगा, इनपुट को इन्वर्ट कर देगा, यानी अगर इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन आएगी, इनपुट वन है तो आउटपुट आपके पास जीरो आएगी।
इसकी जो एक्सप्रेशन है वो हम बार से, बार के सिंबल से इसको, इसके ऑपरेशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डिनोट करते हैं, f इज इक्वल टू a बार, और a आपके पास इनपुट है, इनपुट के ऊपर बार आएगी तो वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो नॉट गेट की अगर हम टाइमिंग सिग्नल की बात करें तो सिंपल जो इनपुट पे सिग्नल आएगा वो इन्वर्ट हो जाएगा, वन है तो आउटपुट जीरो आएगी, जीरो है तो आउटपुट वन आएगा, इसी तरह वन वन जीरो वन जीरो, तो वन है तो ये जीरो जीरो, यहां पे वन, यहां पे जीरो, यहां पे वन। तो आप देख रहे हैं जो सिग्नल मैंने इनपुट पे दिया मुझे आउटपुट पे उसका इन्वर्ट, उसका उल्ट सिग्नल मिल रहा है। नॉट गेट का जो ऑपरेशन है वो इसी तरह का ऑपरेशन आएगा। अब हम एप्लीकेशंस के ऊपर बात करते हैं कि इन गेट्स की छोटी मोटी सी एप्लीकेशन देखते हैं ताकि आपको इनकी अहमियत का अंदाजा हो सके। एंड गेट आपके पास एनेबल डिसेबल डिवाइस के तौर पे यूज होता है, ठीक है। आपने किसी स्विच को किसी डिवाइस को ऑन करना है या ऑफ करना है, ये एंड गेट आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम है पूरा, ये समझ लें कि ये तो काउंटर की एग्जांपल है और एनेबल बताया हुआ है कि आपके पास ए और बी है, ए के ऊपर आप सिग्नल दोगे और जब बी को आप एनेबल करोगे तभी ये आईसी चलेगा वरना नहीं चलेगा। मैं आपको जो इससे इजी एग्जांपल देखता हूं कि मेरे पास एक वाटर कंट्रोलर है, ठीक है। ये वाला हमेशा मैं वन कर देता हूं, इसको मैं पॉजिटिव वोल्टेज से प्लस फाइव से अटैच कर देता हूं। अब ये वाला जो दूसरी जो इनपुट है मैं वो यहां पे एक ऐसा सेंसर लगाता हूं, जब ये टैंकी खाली हो, ठीक है, जब ये सॉरी ये कर लेते हैं, वो तो मेरे पास मोटर होगी, ठीक है, ये मोटर आ रही है, ये तो मोटर को ऑन करेगी। जब मेरे पास ये टैंकी का लेवल, यहां पे ये ऐसा एक स्विच है, जब ये टैंकी का लेवल जीरो होगा तो आउटपुट वन होगी, ठीक है, जब लेवल अप्रोच कर जाएगा तो आउटपुट जीरो हो जाएगी, यानी कि नॉट गेट एक तरह का मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इसकी आउटपुट जो है वो मैं कनेक्ट कर दूंगा इससे सेंसर से। अब क्या होगा, जब मोटर, जब टैंकी में पानी कम होगा, बिल्कुल निचला लेवल आ जाएगा, तो सेंसर की आउटपुट वन हो जाएगी, यहां पे वन हो जाएगा, वन वन आउटपुट वन देगा और आपके पास मोटर ऑन हो जाएगी और इसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जब पानी का अपर लेवल अचीव हो जाएगा तो इस सेंसर की आउटपुट जीरो हो जाएगी, ठीक है, आउटपुट जीरो होगी, 1.0 जीरो होगा और आपके पास मोटर बंद हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं एक डिजिटल स्विच के तौर पे एंड गेट को यूज कर सकता हूं, ठीक है। अब नीचे देखें, काउंटर काउंट्स व्हेन इट रिसीव पल्सेस, ठीक है, जब भी मेरे पास जीरो से वन होगा काउंटर में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। काउंटर का काम क्या होता है, जीरो वन टू थ्री फोर इस तरह से काउंट करना। अब बी जो मेरे पास स्विच है, ठीक है, उसको मैं एनेबल और डिसेबल कर देता हूं, यहां पर मेरे पास पल्सेस आ रही है, जब मेरे पास बी वन होगा तो ही मेरे पास काउंटर इन पल्सेस के मुताबिक, यह टाइमिंग सिग्नल है, इन टाइमिंग सिग्नल के मुताबिक काउंट करेगा। जैसे ही बी को मैं जीरो करूंगा तो मेरे पास पल्सेस बेशक आती रहे, मेरे पास काउंटर की आउटपुट पे वहीं पे वो रुक जाएगा जहां पे जो लास्ट उसका काउंट था, ठीक है। बुक की एग्जांपल इस तरह, ये तो मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दे दी है कि कैसे हम एंड गेट को एज अ स्विच यूज कर सकते हैं। और गेट, अच्छा, कार डोर ओपन अलार्म सिस्टम, ये चले जरा इजी एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। मेरी एक गाड़ी के अंदर चार दरवाजे हैं, दो दरवाजे भी हो सकते हैं मगर हम चार दरवाजे भी हो सकते हैं, आठ बड़ी गाड़ियों के ज्यादा दरवाजे भी होते हैं, हम चार दरवाजों वाली गाड़ी की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई डोर ओपन होगा मेरे पास अलार्म एक्टिव हो जाएगा, जब सारे डोर क्लोज होंगे तो मेरे पास जीरो 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 आ रहा है, आउटपुट जीरो है, अलार्म नहीं बजेगा।
जैसे ही कोई एक भी वन हुआ तो मेरे पास यहाँ पे वन हो जाएगा और मेरे पास अलार्म एक्टिव हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे कोई गाड़ी का डोर ओपन है। ठीक है, ये कार डोर अलार्म सिस्टम में और गेट यूज हो रहा है और काफी इसकी और भी इस तरह की एप्लीकेशंस है। ठीक है, जैसे अगर स्मोक सेंसर है, कोई एक जगह भी सेंसर डिटेक्ट करेगा स्मोक को या फायर को तो वो अलार्म को जनरेट कर देगा। उसमें जरूरी नहीं है कि सारे वन होंगे, तो कोई एक भी होगा तो आपके पास अलार्म जनरेट हो जाएगा। इसी तरह थेफ्ट कंट्रोल सिस्टम है, डोर लॉक्स लगे होते हैं, कोई एक डोर का भी अगर खुलता है तो आपके पास अलार्म जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह और गेट की बेतहाशा आपके पास एप्लीकेशंस हैं। नॉट गेट की जो एक एग्जांपल हमने, एक एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, कि आपके पास इन्वर्ट हो जाते हैं लेवल्स। एक तो अभी टैंकी वाले ओवरफ्लो में देख ली थी एप्लीकेशन। एक जो जब भी हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हम नंबर को उन नॉट गेट्स के थ्रू गुजारते हैं, तो आपके पास ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, जीरो वन हो रहा है, वन से जीरो, जीरो से वन, वन से जीरो, जीरो से वन, जीरो से वन, वन से जीरो और वन से जीरो। तो इस तरह नॉट गेट के भी बेतहाशा एप्लीकेशन हमें मिलेंगी। एंड गेट को नैंड बनाने के लिए भी हम नॉट गेट को यूज करते हैं, और गेट को नॉर बनाने के लिए भी हम नॉट गेट यूज करते हैं। तो इनकी मल्टीपल एप्लीकेशन है। बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना किसी भी डिजिटल सर्किट के, वो ये तीन ही है, एंड और नॉट। बाकी जो गेट्स हैं वो इनके कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, मगर हम जब सर्किट्स में यूज कर रहे होते हैं तो हम बिल्कुल बेसिक की जगह अगर हमें एक कंबाइंड प्रोडक्ट कंबाइंड ब्लॉक मिल रहा होता है तो हम उस कंबाइंड ब्लॉक को लेते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स भी हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन एंड गेट की और गेट की। ठीक है, एंड और का नॉट होता है और जो है वो एंड का नॉट होता है। इस चीज को देख लेते हैं। ए डॉट बी सिर्फ वन वन के ऊपर वन देगा, बाकी सारे कॉम्बिनेशंस के ऊपर जीरो होगा। ठीक है, बाकी चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाए, ये एक्स एक्स कोई भी कॉम्बिनेशन हो, जीरो जीरो होगा, जीरो वन होगा या वन जीरो होगा, उसके लिए वो जीरो ही देगा। अब इस चीज को देखते हैं, ये क्या है, ए बार प्लस बी बार। अच्छा, ये डी मॉर्गन हम पढ़ेंगे, डी मॉर्गन में भी हमारे पास यही चीज आएगी। अब ए पे अगर जीरो है, ठीक है, नॉट होके वन हो जाएगा। अब ये वन है, अगर और गेट में कोई एक भी वन है तो आउटपुट पे वन ही आएगा, वन आ गया मगर इस नॉट की वजह से वो जीरो हो गया। ठीक है, अब दोनों पे अगर हम वन वन देंगे, वन वन देते हैं तो यहां जीरो जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो का रिजल्ट जीरो ही होगा और नॉट होके वो वन देगा। सिर्फ वन वन के केस में मेरे पास वन आएगा, बाकी किसी भी कोई भी केस देख लो उसमें जीरो आएगा। तो इस तरह ये एंड गेट की अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन होती है। इसी तरह और गेट की अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ए बार डॉट बी बार होती है। अगर हमारे पास ए बार डॉट बी बार आए तो हम उसको ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। अब ठीक है, ए बार डॉट बी बार का होल बार आए तो हम उसको ए प्लस बी लिख सकते हैं, या ए प्लस बी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह a प्लस बी को हम a डॉट बी भी लिख सकते हैं, और a डॉट बी को हम a बार प्लस बी बार का होल बार भी लिख सकते हैं। तो ये अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन है, और आगे जाके हम डी मॉर्गन थ्योरम देखेंगे। डी मॉर्गन थ्योरम में ये सारी चीजें काफी अच्छी तरह से हम डिस्कस भी करेंगे और इनको यूज भी करेंगे मुख्तलिफ इक्वेशंस के अंदर। अच्छा जी, अब हम एक और गेट देखते हैं, नैंड गेट। नैंड गेट सिंगल आउटपुट है, मल्टीपल इनपुट्स है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये और ये है। अब इसमें जो आउटपुट है वो एंड गेट की जो आउटपुट है उसके आगे अगर हम नॉट गेट लगा दें तो हमारे पास नैंड गेट बन जाता है कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, एंड गेट के आउटपुट पे
मैं नॉट गेट लगा दूं तो मेरे पास यहां पे नैंड बन जाता है, और ये बबल जो है ये इस नॉट को ही रिप्रेजेंट करता है। अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन देख लें और गेट के केस में देख लें, तो ए बार प्लस बी बार आपके पास नैंड गेट होता है इज इक्वल टू ए डॉट बी होल बार। ठीक है, अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन भी है और इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। नैंड गेट का फंक्शन देखें तो आपको सिर्फ वन वन के ऊपर जीरो मिलेगा, बाकी सारे केसेस में आपके पास वन होगा। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो वही ए डॉट बी होल बार आ जाएगा नैंड गेट के लिए। टाइमिंग्स में अगर वही एक्सप्रेशन में हम लोग देखते हैं, ठीक है सॉरी ये गलत हो गया, इसको मैं अरेज करूंगा। लेकिन ये वन वन है, ये जीरो वन है, ये वन जीरो है, ठीक है ये अगेन वन वन है, ये जीरो वन है, ये वन है और ये जीरो है और ये जीरो है और ये वन। अब ए डॉट बी होल बार वन वन के ऊपर जीरो देगा, बाकी सारे केसेस पे वन देगा। अगेन वन वन पे जीरो देगा, बाकी सारे केसेस पे वन देगा। ठीक है, वन जीरो वन जीरो, सिर्फ जब दोनों वन वन होंगे तो आपके पास आउटपुट जीरो होगी। ठीक है, तो ये हमने इसकी टाइमिंग डायग्राम देख लिया नैंड गेट की। नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है, उसकी वजह ये कि नैंड गेट से हम कोई भी दूसरा गेट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉट गेट की अगर एग्जाम्पल लें तो अगर मैं नैंड गेट की दोनों इनपुट्स को इस तरह से बना दूं ये वाली, तो मेरे पास ये नॉट गेट आ रहा है। ठीक है, करके देखते हैं। यहां पे मैंने जीरो भेजा, ठीक है यहां पे भी जीरो आया, जीरो आया, जीरो जीरो पे जीरो जीरो के ऊपर आउटपुट आपके पास वन आती है, ये पे मेरे पास वन आ जाएगी। और जब मैं वन भेजूंगा तो दोनों के ऊपर वन वन आ जाएगा, और वन वन के केस में आपके पास आउटपुट जीरो आती है तो जीरो आ रही है। तो ये एक इन्वर्टर बन रहा, नैंड गेट से मैंने एक इन्वर्टर बना लिया। ठीक है, अब नैंड गेट को एंड गेट बनाना, तो नॉट के आगे मैं एक और अगर इन्वर्टर लगा दूं, ठीक है यानी कि मैं अगर इस तरह से बना लूं, तो ये मेरे पास एंड गेट बन जाएगा। ठीक है, एंड गेट है, सॉरी नॉट गेट है, ठीक है और ये भी नॉट गेट है, नहीं बल्कि मेरे ख्याल में गलत हो रहा है, इस तरह नहीं है, ये और ये, अब ठीक है, ठीक है ये कंबाइन नहीं होगा, ये होगा आउटपुट कंबाइन होगी। तो अब इस केस में देखें ये ए बी है, ठीक है ए डॉट बी होल बार, ठीक, और यहां पे देखें ए डॉट बी होल बार का बार 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 से कैंसिल, नॉट और नॉट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा डबल बार या डबल नॉट, एक इस डबल नॉट जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे, तो आपके पास ए डॉट बी आ जाएगा, या आपके पास एंड गेट है। दोबारा अगर मैं इसको यहां नीटली बनाऊं तो मेरे पास कुछ इस तरह की फिगर आ जाएगी नैंड गेट के लिए। नैंड गेट से हमने एंड गेट बना लिया, इसी तरह नैंड गेट से हम और गेट भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आई थिंक के ये और मेरे पास फिर ये आ जाता है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और इसकी आउटपुट आपके पास ए प्लस बी आ जाएगी जो कि और गेट है। तो और गेट हम नैंड गेट से ऐसे बना सकते हैं। तो नैंड गेट से जो हम बेसिक तीन गेट्स हैं एंड और नॉट, वो तीनों बना सकते हैं, इसलिए नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह ये एंड की एग्जांपल है और ये और की एग्जांपल है, ये तीनों एग्जाम्पल्स हम पहले ही देख चुके हैं कि मुझे एंड गेट बनाना है तो मुझे ये वाला सिंबल इस तरह से नैंड गेट को यूज करना है, और गेट बनाना है तो मुझे
ये इस तरह से यूज करना है, ठीक है। अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन देख लें, ये यानी ये दोनों नॉट होने चाहिए, तो हमने एक नॉट लगा के आगे फिर डॉट लगा दिया, तो इस तरह से हमारे पास एक और गेट इंप्लीमेंट हो सकता है। अच्छा, अब नैंड गेट के बाद एक और गेट है नॉर गेट। अब नॉर गेट भी सिंगल आउटपुट है मगर मल्टीपल इनपुट है, ठीक है। इनपुट्स इसकी एक से ज्यादा हो सकती है, बल्कि एक से ज्यादा ही होंगी हमेशा, आउटपुट जो है वो हमेशा एक ही होगी। इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लें, और के आगे हमने नॉट लगा दिया, और गेट को अगर हम आगे से नॉट लगा दें तो वो नॉर बन जाएगा, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी है, ऐसे भी है और ऐसे भी है, तो ये तीनों सिंबल्स नॉर गेट के लिए यूज हो सकते हैं। हम ज्यादातर जो सिंबल यूज करते हैं नॉर गेट के लिए वो ये है, नॉट और, ठीक है। यानी ए प्लस बी के को हमने नॉट कर दिया, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी ये होगी, ठीक है। और जब जीरो जीरो सिर्फ जीरो जीरो के ऊपर ये वन देगा, बाकी सारी कंडीशंस के ऊपर ये जीरो देगा, ठीक है। और जो है वो वन वन के ऊपर वन देता है, बाकी सारी कंडीशंस पे जीरो है, ये सिर्फ जीरो जीरो के ऊपर वन देगा, बाकी सारी कंडीशंस पे ये जीरो देगा। और नैंड गेट जो है वो सिर्फ वन वन के ऊपर वन देगा, बाकी सारी कंडीशंस पे जीरो देगा, ठीक है। टाइमिंग देख लें, अगर हमें एक्सप्रेशन याद है तो सिर्फ वन वन के ऊपर जीरो है, जीरो जीरो के ऊपर वन है, बाकी सब के ऊपर जीरो है, वन जीरो है, ये भी वन जीरो है, ये भी जीरो वन, सॉरी वन वन है, जीरो वन है, ये वन है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये वन है। तो नॉर गेट जो है सिर्फ जीरो जीरो के ऊपर आपको वन देगा, जब दोनों इनपुट जीरो होंगी तो वन देगा। पर ऐसी कोई कंडीशन मुझे नजर नहीं आ रही है, ठीक है, तो सारी कंडीशंस पे मैंने जीरो लगा दिया। अगर कोई एक भी मेरे यानी मेरे पास अगर सिग्नल कुछ इस तरह का होता, दोनों सिग्नल, तो इन टाइम स्लॉट में मेरे पास एक आउटपुट जीरो होती, इस टाइम स्लॉट में मेरे पास आउटपुट वन होती, ठीक है। ये एफ आ रहे है, वो ये ए कर लें, ये बी कर लें, तो मेरे पास जब दोनों जीरोस होंगी तो ही आउटपुट पे मेरे पास वन आएगा। ये वाली कंडीशन हमने पूरी कर ली है। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज करके ही हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बनाते हैं। इन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को फिर आगे मुख्तलिफ एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। हम इन ब्लॉक से कैसे एक सर्किट बनाते हैं उसका प्रोसीजर भी सीखेंगे, कि हमारे पास एक सर्किट की रिक्वायरमेंट आती है, हम वो रिक्वायरमेंट को टेबल के ऊपर मैप करते हैं, फिर उस टेबल से इक्वेशंस बनाते हैं और उन इक्वेशंस को इन गेट्स के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। ये प्रोसेस हम पूरा इस चैप्टर में देखेंगे आगे जाके। अभी जस्ट हम लोगों ने एक लॉजिक गेट का इंट्रोडक्शन देखा है, ठीक है। लॉजिक गेट में हमने देखा कि जो बेसिक तीन गेट्स हैं वो है हमारे पास एंड और नॉट, बाकी जो गेट्स हैं वो इनके कम्बिनेशन से ही बनते हैं। अब होता ही है कि बाज दफा हम लोगों को यूज करने पड़ते हैं, तो एक कंबाइंड हम लोगों को अगर इफेक्ट चाहिए होता है दो गेट्स का, तो हम उन गेट्स को यूज करते हैं जो नैंड है, ठीक है, नॉर है, एक्स और है और एक्स नॉर है। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये थोड़े से हैवी कॉम्प्लेक्स गेट्स हैं, नैंड नॉर थोड़े इजी गेट्स हैं, मतलब जो बेसिक गेट्स हैं वो एंड है, ठीक है, एंड आता है, और आता है और नॉट आता है। नॉट के लिए हम बबल यूज करते हैं, ठीक है। अगर बात करें सिंबल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की, जो ज्यादातर हम वो यूज करेंगे वो ये वाली है, ठीक है, एंड के लिए, और के लिए हम इस तरह को यूज करते हैं, और नॉट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इनकी हमने इक्वेशन देख ली है, ए डॉट बी एंड के लिए, ए प्लस बी और के लिए, और ए डॉट ए बार या बी बार नॉट के लिए। फिर नैंड हम लोगों ने देखा कि कैसे एंड के आगे अगर डॉट गेट लगा दें तो वो नैंड बन जाता है, ठीक है।
ए डॉट बी होल बार आ जाता है नैंड गेट, और नॉर करें तो और के आगे हम अगर नॉट गेट लगा दे तो वो ए प्लस बी होल बार आ जाता है। अब नैंड को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं, उसकी वजह ये कि नैंड गेट से हम कोई भी गेट बना सकते हैं, ठीक है। और नैंड गेट की अगर बात की जाए तो ज्यादातर जो गेट्स बनते हैं वो नैंड गेट से ही बनते हैं। उसकी वजह ये है कि नैंड गेट्स को ट्रांजिस्टर से इंप्लीमेंट करना इजी है एज कंपेयर टू अदर गेट्स, यानी कि जो बेस लेवल है वो नैंड बेस लेवल इंप्लीमेंटेशन है वो नैंड गेट की कहीं ज्यादा इजी है बजाय बनिस्बत बाकी गेट्स की। तो बाकी गेट्स के लिए आपको ज्यादा कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, नैंड गेट के लिए आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इतने रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। ये जो डिजिटल गेट्स हैं इनको भी हम लोग, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर पढ़ चुके होंगे या पढ़ लोगे कि हम इनको भी ट्रांजिस्टर से ही बनाते हैं, ठीक है। हम इनको ट्रांजिस्टर से ही बनाते हैं, हाँ, इस तरह और इस तरह ये। तो यहाँ पे इनपुट आ रही होती है और आउटपुट को हम इस तरह, इनकी आउटपुट जो होती है वो मेरे ख्याल कंबाइंड होती है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है इसका सर्किट, मगर कुछ इस तरह से बनती है। तो ये इजी आपके पास होता है, ठीक है। तो नैंड गेट का इम्प्लीमेंटेशन सर्किट लेवल पे इजी है, इसीलिए हम आईसी वगैरह इनको यूज करते हैं, ताकि उनकी फंक्शन और होती है, फंक्शनैलिटी वही होगी जो वो डिफाइन होगी। तो आज का लेक्चर हम यहाँ क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर से आपके जो भी क्वेश्चन होंगे हम वो फिजिकल सेशन में उसको रिव्यू कर लेंगे। इस लेक्चर को गो थ्रू जरूर कीजिएगा, इस लेक्चर से जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो हम फिजिकल सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।